तो चलो गामा ब्लास्ट समझते हैं एंड देखेंगे किस तरह से आप लोग गामा ब्लास्ट को यूज करके प्रॉफिट कमा सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ कि गामा ब्लास्ट होता क्या है। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक्सपायरी के दिन कोई भी ऑप्शन जो 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा होता है वो सडनली 200 से 200 चला जाता है या फिर 150 जाता है एंड बहुत बार देखा गया 2 वाला 250 तक भी जाता है। 250 ये मैक्सिमम मैंने देखा 2 रुपये वाला 250 तक। तो ये क्यों होता है? ये होता है सिंपली गामा ब्लास्ट की वजह से। तब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ गामा ब्लास्ट होता क्या है। पहले आपको गामा ब्लास्ट समझने के लिए ये समझना होगा कि डेल्टा क्या होता है। इसको मैं सिंपल बताता हूँ। डेल्टा बस कुछ भी नहीं है, जितना पॉइंट आपका निफ्टी मूव करेगा उसके कंपैरिजन में कितना पॉइंट आपका ऑप्शन मूव करेगा। मान के चलो निफ्टी चल रही है 19,000 एंड आपने साइड में लगाया 19,000 का ही कॉल ऑप्शन, ठीक है, एक जीरो हटा दो, 19,000 का कॉल ऑप्शन। अब मान लो अगर निफ्टी 19,000 से 19,010 चली जाती है यानी कि 10 पॉइंट ऊपर गई है, तो ये जब निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर जा रही है तो आपका ये जो ऑप्शन था जो यहाँ पे मान लो उस टाइम पे ट्रेड कर रहा था 100 रुपया, ये कितना ऊपर जाएगा। एंड ये चीज़ बताता है आपको डेल्टा। एंड एट द मनी हमेशा डेल्टा होता है 0.5 का। इसका मतलब अगर निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर जा रही है तो आपका ऑप्शन 5 रुपीज़ ऊपर जाएगा जो कि 105 चला जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया डेल्टा। इसमें गामा का क्या गेम है? गामा कुछ भी नहीं है, आपको डेल्टा से ही गामा मिलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैं पूरा लिखता नहीं हूँ, ठीक है, जो जितना आपका डेल्टा चेंज होगा इसका रेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा इज गिवन एज गामा, ठीक है। ये एक डेफिनेशन है जो बुक में लिखी होती है और जो लोग साइंस से हैं वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपको डेफिनेशन में जाना नहीं है, आपको ये समझना है गामा हमेशा डेल्टा से डिराइव होगा। तो अब यहाँ पे होता क्या है, जो भी ऑप्शन होते हैं उनका एक तो ATM होता है, एक ATM होगा, एक ITM होता है एंड एक OTM होता है, ये सभी को पता है। तब इसमें होता क्या है कि जब ATM वाला जो डेल्टा होता है, डेल्टा की बात कर रहा हूँ, वो 0.5 होता है, इन द मनी पे नियर टू 1 होता है जिसको मान के चलो मैं 0.9 मान लेता हूँ, एंड OTM वाला नियर टू 0 होता है जिसको मैं 0.1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता है कि एक्सपायरी के दिन 2:30 बजे के बाद, यहाँ पे कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, 2:30 बजे के बाद मान लो या फिर 3 बजे के बाद, तो 100% क्या होता है कि ये जो OTM वाला जो डेल्टा है वो सडनली 0.1 ना रह के कभी कभी 0.5 पहुँच जाता है, कभी कभी 0.9 पहुँच जाता है। एक्चुअली ये वाली चीज़ें ATM पे होनी चाहिए, लेकिन कभी कभार ये चीज़ें जो है डेल्टा चेंज हो गए 0.1 से 0.5 या 0.9 चला जाता है। एंड जिसकी वजह से अगर नॉर्मल टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे अगर ऑप्शन 100 वाला 120 जाता, लेकिन अब क्योंकि डेल्टा चेंज हो चुका है तो वो 100 से सीधा 200 पहुंच जाएगा, क्योंकि डेल्टा जब यहाँ पे था तो उस टाइम पे काम कर रहा था मान के चलो 0.2 का, लेकिन अब यहाँ पे काम करेगा 0.9 का। तो यहाँ पे जो जितना ऑप्शन बढ़ना था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एंड जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है यहाँ पे 120 मिला, अब यहाँ पे 200, तो यानी कि कितना रुपया एक्स्ट्रा बढ़ गया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा है आपका 80 रुपया। एंड इस चीज़ को हम बोलते हैं गामा, ठीक है। एंड ये गामा ब्लास्ट हुआ इसलिए आपको 80 रुपया एक्स्ट्रा मिला। लेकिन अगर आपने गामा ब्लास्ट को सही टाइम पकड़ लिया तो एक चीज़ याद रखना, गामा ब्लास्ट लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है, जस्ट फॉर 10 सेकेंड 20 सेकेंड या फिर मैक्सिमम 1 मिनट तक ही रहता है वो, एंड फिर से वापस गामा अपनी टाइम अपनी जगह पे आ जाता है, डेल्टा अपनी जगह पे आ जाता है। एंड आप देखते हो कि तुरंत जो प्राइस यहाँ से सूट किया था 2 रुपये से 200 वो विद इन 30 सेकेंड वापस 10 रुपये पे आ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको तुरंत गामा ब्लास्ट मिल भी गया तो तुरंत वो नीचे आने वाला है, इसलिए अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। अब आप लोग पूछोगे हम सर गामा कहाँ पे देखें, डेल्टा कहाँ पे देखें, तो सिंपली आप कोई भी वेबसाइट पे चले जाओ, चाहे NSE की वेबसाइट पे जाओ, चाहे जिरोदा का ऐप ओपन करके या फिर धन का ऐप ओपन करके, कोई भी ब्रोकर है उसमें जाके आप उसका ऑप्शन चेन ओपन करो एंड वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको डेल्टा मिल जाएगा, आपको गामा मिल जाएगा एंड LTM जो भी है सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाता है। तो उस टाइम पे 2 बजे के बाद में या 2:30 बजे के बाद में नज़र रखो ऑप्शन चेन के ऊपर, एंड जब भी आपको दिखे कि यहाँ पे डेल्टा चेंज होने लगे हैं एंड ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए, तब आप वहाँ पे एक OTM में बाइंग करके रख सकते हो। OTM में कॉल एंड पुट दोनों बाय कर सकते हो, जिसका मान लो प्राइस चल रहा है 2 रुपया, यहाँ पे आप CNP दोनों बाय कर सकते हो। एंड जब भी आपको मान लो एक मोमेंटम मिला, क्योंकि आपने पहले देखा है कि यहाँ पे डेल्टा चेंज हो चुका है, तो ये 2 वाला कॉल का मान लो ऑप्शन अगर पहुँच गया 100 रुपये, तो ये तो मान लो होगा 0,
ये होगा जीरो एंड ये पहुंच गया 100, तो आपको यहाँ पे 98 का फायदा हुआ। एंड सेम चीज़ उल्टा, अगर मान लो मार्केट नीचे भी आया तो पुट पहुंच जाएगा 100 पे एंड कॉल हो जाएगा जीरो, तो दोनों जगह पर 98 का फायदा होने वाला है। गंवाने के लिए क्या है, 2 रुपये का कॉल बाय किया, 2 रुपये का पुट। अगर मान लो मार्केट साइडवेज रहा तो गया 4 रुपये, लेकिन एज कम्पेयर टू इट 4 रुपये के कंपैरिजन में आपको 98 रुपीज़ मिलने का चांस है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गामा ब्लास्ट। इसी चीज़ को यूज़ करके लोग यूज़ कर ये बनाते हैं हीरो जीरो ट्रेड। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर और कुछ डाउट्स है तो आप वीडियो के कमेंट में जाके पूछो, मैं सारे कमेंट्स रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फाइनली वीडियो पर नए हो तो लाइक ज़रूर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।